हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव शिक्षा ट्यूब। दोस्तों, जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है या फिर एसएससी का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे। और जो करंट अफेयर्स बनाते हैं वो पीछे के एक साल का जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है उसको उठा के उससे क्वेश्चन लेते हैं। कि ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब हो गया कि जो पॉपुलर पर्सन है, पॉपुलर पर्सन की बात करें तो अभी किसी को नियुक्त कर दिया गया है, या कोई प्रधानमंत्री बना है, या कोई राष्ट्रपति बना है, या कोई नए पद पे स्थानांतरण हुआ है, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। या कोई गवर्नमेंट की स्कीम हो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, या बिटकॉइन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आप चैनल देख रहे हैं लाइव शिक्षा ट्यूब, इसमें हम सुबह सुबह 6 से 8 के बीच डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करते हैं, वो रेलवे ग्रुप डी का होता है, और दोपहर के अंदर हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के अभी के हाल ही के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, और मैंने इसमें पिक्चर भी डाली है। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से आते हैं कि वर्तमान का पूछ लिया जाता है, या जो प्रथम रह चुके हैं उनका पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में जो गवर्नर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है दोस्तों उर्जित पटेल। मैंने इसमें पिक्चर भी लगाई है। और जो पहले सबसे पहले गवर्नर थे भारतीय रिजर्व बैंक के, वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। याद रखिएगा, फर्स्ट जो गवर्नर थे उनका नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के प्रथम महानिदेशक, दोस्तों कुछ स्टूडेंट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नाम ही नहीं सुना होगा। ये अभी मार्च में हुआ था, शायद 29 मार्च या 30-31 मार्च की बात है, कि जो गवर्नमेंट है अपनी, जो एसएससी में स्कैम हुए और जो भी एग्जाम्स में, ऑनलाइन एग्जाम्स में स्कैम हो रहे हैं, उनको आधार में रखते हुए इन्होंने एक सोसाइटी बनाई है जिसका नाम है नेशनल टेस्ट एजेंसी। उसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि जो ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे उनकी रखवाली करेंगी, और उनके डायरेक्टर जनरल जनरल बनाया गया है, वो उनका नाम है विनीत जी जोशी। अगर विनीत जी जोशी की बात करें अपन, ये पुराने ओल्ड सीबीएसई चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो विनीत जी जोशी, ये प्रथम महानिदेशक है, क्योंकि ये जो एजेंसी शुरू की है ये इसकी शुरुआत ही है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष सुनील जी लांबा है, ये उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। और जो फर्स्ट नौसेना अध्यक्ष रहे थे वो थे रियर एडमिरल JTS होल। ठीक है, जो फर्स्ट भारतीय नौसेना अध्यक्ष रह चुके हैं वो है रियर एडमिरल JTS होल, क्योंकि जो फर्स्ट और जो वर्तमान के हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो वो है एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। ठीक है, और जो फर्स्ट जो प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे उनका नाम है एयर मार्शल सर थॉमस एम हॉस्टर। क्योंकि ये नाम थोड़े से टफ हैं, इनको याद रख लीजिएगा, क्योंकि काफी बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जो करंट में थल सेना अध्यक्ष हैं वो है बिपिन रावत, और जो फर्स्ट थल सेना अध्यक्ष थे, प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे, वो थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। याद रखिएगा, प्रथम थल सेना अध्यक्ष थे वो थे जनरल महाराज राजेंद्र सिंह जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? दोस्तों, जो चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव करवाती है वो टीम, उसके आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ओम प्रकाश जी रावत को स्थापित किया गया है। तो और प्रथम की बात करें अपन, फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो वो है सुकुमार सेन। नाम याद रखिएगा, सुकुमार सेन। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कृष्णा कुमारी कोहली पे, वो काफी पॉपुलर रह चुका है। फरवरी में 15-16 मार्च को ये खबर आई थी और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रही थी, इसलिए मैंने इसको डाला है। ये है कृष्णा कुमारी जी कोहली को पाकिस्तान की सेनेट की सेनेटरी बनाया गया है, और ये पॉपुलर इसलिए रही क्योंकि ये इंडियन दलित महिला है,
और जो पहली बार पाकिस्तान की सेनेटरी के बार सेनेटरी बनाई गई है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, वो हैं केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली का पूरा नाम बताएं तो खगड़ा प्रसाद शर्मा है दोस्तों। अभी क्या हुआ था कि शेर बहादुर देउबा के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति विद्या देवी शर्मा ने ओली को 41वां नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया। और ये जो खबर आई वो काफ़ी ट्रेंडिंग रह चुकी है, तो शायद जो भी एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा होगा वो जरूर ऐसी ही खबरों को पकड़ेगा, तो याद रखिएगा। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। आगे भी मैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो बनाता रहूँगा। उस दोपहर में मैं ये क्वेश्चन अपलोड करूँगा, तो ये जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ अगर इसमें कोई कमी लगे या इसमें कोई सुधार की आपको गुंजाइश हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सुबह प्रैक्टिस सेट डालते हैं और दोपहर को ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालते हैं। धन्यवाद दोस्तों।